टॉप 10 अपराधियों की कड़ी में एक अभियुक्त को अवैध तमंचा सहित गिरफ्तार कर लिया गया। मैनपुरी जनपद स्तर पर चिन्हित टॉप 10 अपराधी एवं अंतर राज्यीय लुटेरे गैंग का सरगना पुलिस मुठभेड़ में एक तमंचा, 315 बोर, दो जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, 315 बोर, एक लूट की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 28 मई 2022 को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाने का टॉप 10 अपराधी बलराम उर्फ बल्ला करहल की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहा था, जो कई मुकदमों में वंचित व वारंटेड था। अगर जल्दी की जाए तो उसे पकड़ा जा सकता था। उसी सूचना पर करहल रोड की तरफ से आसरा आवासीय कॉलोनी के सामने पुलिस पहुंची तो करहल मार्ग की तरफ से मैनपुरी की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिसे देखकर मुखबिर द्वारा बताया गया कि यही टॉप 10 अपराधी है और बता कर चला गया। पुलिस टीम द्वारा डंडों की मदद से रोकने का इशारा किया गया तो वह पुलिस टीम को देख तुरंत मोटरसाइकिल मोड़कर वापस भागने की कोशिश करने लगा, तो मोटरसाइकिल सड़क पर ही गिर गई। मोटरसाइकिल को छोड़कर ही खेतों में भागने लगा और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत फायर किया, जिससे पुलिस बल बाल बाल बच गए। पुलिस टीम द्वारा जान की परवाह किए बिना अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिसकी जानकारी देते हुए क्षेत्र अधिकारी बीपी सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। कोतवाली का वांछित है बलराम बल्ला, सुनो रामचरण, ये हरचरणपुर का है और ये इटावा और औरैया सिंह वांछित है। इसके पास से एक तमंचा, 315 वो मोटरसाइकिल, कोतवाली का टॉप 10 है, यहाँ से अपराधी हुए।